हॉर्न हिपेल लिंदाओ, साउथ फॉर्म में इसको वी एच एल कहते हैं। ये जो वी एच एल है ये मेलिस का क्रोमोजोम नंबर है, मतलब कि क्रोमोजोम नंबर 3 के साउथ आर्म में ट्यूमर सप्रेसर जीन रहता है जिसका नाम है वी एस एल जीन। इसी में म्यूटेशन हो जाने के कारण मेलिए वॉन हिपेल लिंदाओ देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, ये एक जेनेटिक डिजीज है जो अफेक्ट करता है सभी इथनिसिटी को। इसमें ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है, ट्यूमर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, कहीं पर भी डेवलपमेंट होता है। इसमें कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ये अफेक्ट करता है, तो HIF हाइपोक्सिया इंडिसेबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को ये इनकोड करता है। जो हमारा VHL जीन है ना वो कोड करता है एक प्रोटीन को जो जो मेनली डिग्रेड करता है HIP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। लेकिन क्या होता है, इसमें म्यूटेशन हो जाने के कारण जो ये डिग्रेडेशन होता है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण HIF बढ़ जाता है। HIF बढ़ जाता है तो PDGF बढ़ जाता है, PDGF बढ़ जाता है तो VEGF बढ़ जाता है, जिसके कारण ट्यूमर का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। आखिर HIF में जो HIF है वो करता क्या है, तो ये मेनली प्लेटलेट डेराइव्ड और वैस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन होते हैं और सेल का ग्रोथ का होता है। लेकिन जब इस जब ये VSL जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो HIF को डिग्रेडेट करने वाला कोई नहीं रहेगा, जिसके कारण ये प्रोफारेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये जो VSL डिजीज है ना ये कॉमन होता है हंटिंगटन डिजीज में। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब कि 50% चांसेस होते हैं बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाने का। ठीक है, इस तो एक इनहेरिटेड कैंसर सिंड्रोम है जो रीनल मैनिफेस्टेशन में देखा जाता है। इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण मल्टीपल बायलेटरल किडनी सिस्ट, रीनल कार्सिनोमा और नॉन रीनल फीचर्स में फियोक्रोमोसाइटोमा, सेल्यूलर हेम एंजियोब्लास्टोमा और रीनल हेम एंजियोमा दिखेगा। ये जो सेरिब्रल हेम एंजियोब्लास्टोमा है ये भी बेनाइन ब्लड वेसल्स ट्यूमर है और ये ऑकर होता है 60% VHL पेशेंट में। अगर ये रेटिना में चल जाए तो इसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकता है, डिटैचमेंट हो सकता है रेटिना का, ब्रेन में चला जाए तो फिर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ये सेरिबेलम में चला जाए तो अटैक्सिया, लॉस ऑफ बैलेंस, हेडेक, नौसिया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, वोमिटिंग, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, सिस्ट और सिस्ट एडिनोमा में क्या है, ये मेनली जब ओवरी, लंग, किडनी और पैनक्रियाज दो सबको अफेक्ट करता है। अगर ये किडनी में हो जाए इसका कैंसरस तो रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, जो मेनली 60% पेशेंट में देखा जाता है, और अगर पैनक्रियाज में हो जाए तो पैनक्रियाटिक न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर हो सकता है जो 15% लोगों में देखा जाता है और ये मेटास्टेटिस है। इसके कारण एड्रिनल ग्लैंड में फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाएगा। उसके बाद ये जो ट्यूमर है ना वो पंप इरेटिकली पंप करता है कैटेकोलामाइन को, जिसके कारण हेडेक, स्वेटिंग, पल्पिटेशन, हाइपरटेंशन, ये सब देखने को मिलेगा। फियोक्राइसिस को भी ये बढ़ा देगा, जैसे कि कैटेकोलामाइन को बढ़ा देगा, और ये फितल भी होता है। ये जो VHL डिजीज है ये डेवलप्ड होता है, इसका जो पहला लेसन है वो मिड 20 में डेवलप हो जाता है और एज के साथ ये बड़ा होता है। ठीक है, एवरी पेशेंट में मतलब जो भी इसके पेशेंट हैं उनमें एटलीस्ट एक तो लेसन होता ही है होता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट में नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जिकल अप्रोच किया जाता है ताकि किडनी के फंक्शन को बचा सके। इमेजिंग में CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं ताकि वो डिटेक्शन कर ले अर्ली जो रीनल सेल कार्सिनोमा है उसको। ठीक है, अगर ये डिपेंड अगर टाइप पे डिपेंड करे, अगर रीनल सेल कार्सिनोमा है हो गया है तो उसको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। स्मॉल और एसिम्प्टोमेटिक है 3 सेंटीमीटर तक तो मेटास्टेटिक से रिस्क को बचाना होगा। अगर रेटिनल हेम एंजियोमा ब्लास्टोमा है तो उसको ट्रीट करेंगे, लेजर ट्रीटमेंट करेंगे ताकि विजन लॉस ना हो। ठीक है,
उसके बाद ये अगर इसका समरी में बात करें तो ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है जो VSL जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। इसके कारण हाइपोक्सिया इंडिसेबल फैक्टर बढ़ जाते हैं जिसके कारण ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। ये आई, ईयर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड सबको अफेक्ट करता है। ये एक बेनाइन ट्यूमर है लेकिन बाद में मेटास्टैटिक हो सकता है। ठीक है,